हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर नंबर 21। इस 20 लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम एक एनालिटिक फंक्शन किस तरह से निकाल सकते हैं, उसको हार्मोनिक फंक्शन किस तरह से शो कर सकते हैं मिल्ले थॉमसन मेथड की हेल्प से, हम ये सब इसमें पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, सो दैट ई एक्स एक्स कॉस वाई माइनस साइन माइनस वाई साइन वाई इज अ हार्मोनिक फंक्शन। पहले हम शो करेंगे कि ई एक्स कॉस सॉरी एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई इज अ हार्मोनिक फंक्शन। फाइंड द एनालिटिक फंक्शन फॉर विच ई एक्स एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई इज इमेजिनरी पार्ट, यानी कोई एक फंक्शन हमें निकालना है जिसके लिए हमारे पास ई एक्स एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई जो है वो एक इमेजिनरी पार्ट है, यानी एफ एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा v जो फंक्शन होता है उसका v पार्ट हमारे पास गिवन है। तो हेयर v बराबर e की पावर x cos x y माइनस y sin y, डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x एंड y v है। इसको हम पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x एंड y, जो तब x से x के इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो हमारे पास ये हो जाता है ई की पावर एक्स, यानी ई की पावर एक्स का क्या, और इसको हमने छोड़ दिया तो कॉस एक्स वाई माइनस साइन वाई साइन वाई। और जब इसका ई की पावर एक्स को छोड़ के इसका क्या हमने यू डॉट वी रूल से, यू डॉट वी रूल क्या होता है, डी ओवर डी एक्स यू डॉट वी, यानी यू इसको हम ले लेते हैं एफ एंड जी दो फंक्शन है जो कि एक्स के फंक्शन है, तो ये होता है एफ डी डी ओवर डी एक्स ऑफ जी प्लस जी डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई जहाँ पे हमने वी एक्स एक्स वाई रख दिया, डेल वी अपन डेल वाई निकाला तो हमारे पास ये आ गया ई की पावर एक्स माइनस एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई, उसको वी वाई एक्स वाई दे दिया। उसके बाद डेल स्क्वायर वी अपन डेल एक्स स्क्वायर निकाला तो हमारे पास ये आ जाएगा ई की पावर एक्स एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई प्लस टू कॉस वाई, और डेल स्क्वायर बी अपन डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस एक्स कॉस वाई माइनस कॉस वाई माइनस कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, यानी ई की पावर एक्स वाई साइन वाई माइनस एक्स कॉस वाई माइनस टू कॉस वाई। अब इन दोनों को ऐड किया हमने तो ऐड करने पे जीरो आ गया, जो कि चूँकि लाप्लास इक्वेशन हमारे पास यही वो कहती है कि अगर उसका हमारे पास सम जो लाप्लास इक्वेशन जो होती है वो ये होती है, अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो हमारे पास हम कह सकते हैं वी जो है वो एक हार्मोनिक फंक्शन है। अब फ्रेंड्स, हमें निकालना है यू फंक्शन निकालना है एफ जेड, तो उसको किस तरह से निकालेंगे। नाउ पुटिंग एक्स बराबर जेड एंड वाई बराबर जीरो इन इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, इक्वेशन वन क्या थी, डेल यू अपॉन डेल एक्स वाली इक्वेशन थी, यानी कि डेल वी अपॉन डेल एक्स में एक्स बराबर तो हमने जेड पुट करना है और वाई बराबर जीरो पुट करेंगे, तो वाई बराबर जीरो पुट करेंगे और ये तो याद आएगा ई की पावर जेड कॉस वाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, फ्रेंड्स हमारे पास वाई बराबर जीरो पुट करना है तो कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो ये हो गया एक्स और यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा क्योंकि वाई की वजह से सॉरी जेड एक्स की जेड पुट करेंगे और यहाँ पे ये प्लस ई की पावर जेड और कॉस वाई, तो ये हो गया ई की पावर जेड और जेड प्लस वन हो गया। तो इसी तरह से हमारे पास डेल वी अपॉन डेल वाई में हम जब वैल्यू पुट करेंगे एक्स बराबर जेड और वाई बराबर जीरो तो हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो ये हैं जेड ई की पावर जेड एंड ई की पावर जेड और वी वाई जेड जीरो बराबर जीरो आ जाएगा। हैंस बाई मिल्ले थॉमसन मेथड वी हैव, जो मिल्ले थॉमसन मेथड क्या कहता है, एफ जेड बराबर वी वाई जेड जीरो प्लस आयोटा वी एक्स जेड जीरो डी जेड, तो यहाँ से हमारे पास ये जो वैल्यू थी वो जीरो थी, वी वाई बराबर ये जीरो थी, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की तो आयोटा जेड ई पावर आयोटा जेड प्लस ई की पावर जेड ऑफ डी जेड, इसका जब हमने इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन में जेड ई पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर जेड प्लस ई की पावर जेड इक्वल टू आयोटा जेड ई की पावर आयोटा सॉरी ई की पावर जेड, तो ये हो गया हमारे पास आयोटा जेड ई की पावर जेड जो कि एफ जेड निकाल लिया है। तो फिर इस तरह से हम मिलने मल्टी स्टेप मेथड की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, अगर कोई आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और उसको मुझे आंसर भेज सकते हैं, और अगर आपसे ना हो ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप यहाँ से लिख सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो है 9460689761
यहाँ पे मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर इस क्वेश्चन में आपसे प्रॉब्लम हो नहीं वो सॉल्व, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और जो इसका आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आंसर आएगा वो आएगा एफ जेड बराबर -2i/2, फाइनल जो आएगा -i/z³/c1, यानी एफ जेड बराबर ये आएगा हमारे पास। इसको आप सॉल्व करने की ट्राई करना। थैंक यू फ्रेंड्स।